वंदे मातरम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल पे। और मेरे बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो मेरे बारे में। और अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने लोगों की मदद करने के लिए अपना जो ट्विटर अकाउंट है, पर्सनल जो ट्विटर अकाउंट है, उसको मैंने अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ दिया है। और जिस किसी को भी मदद चाहिए किसी भी चीज़ की, वो मुझे बता सकता है। मैं उसका मैसेज अपने ट्विटर अकाउंट पे डालूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी बात पहुँचाऊँगा, ताकि उसको मदद मिल पाए टाइम पे। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का वीडियो है कि कैसे वुमन को प्रॉब्लम है, कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई है वुमन को, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे उन सब की मदद की है। तो अब जान लेते हैं। पहली प्रॉब्लम, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या फिर छोटी कंपनियां हैं, या फिर छोटे का दुकानदार है, उन सब ने अपने काम करने वाले लोग कम कर दिए। तो जब ने सबसे पहले जो हमारी फीमेल वर्कर है, उन सबको हटाया। उस वजह से जो हमारी फीमेल वर्कर है, महिला लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिली, जॉब की प्रॉब्लम आ गई उनके सामने। दूसरी प्रॉब्लम, जो घर में काम करती है या फिर बाहर काम करती थी, लॉकडाउन की वजह से उनको घर के अंदर और भी ज़्यादा काम करना पड़ा, और अभी भी कर रही है। अभी भी दिल्ली में लॉकडाउन है और अभी भी काम हो रहा है, अभी भी उनको ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और जो सिंगर मदर है, जो घर में केवल एक ही औरत है और बच्चे हैं, उनको पैसों की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब लॉकडाउन है और उनको और भी जब खर्चे हैं, सामान लाना, बिजली का बिल, आटा चावल, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जॉब जॉब ना मिलना, उस वजह से उनके पास पैसों की कमी हो गई और कोरोना की वजह से। और जो हमारी फिजिकली हैंडीकैप वुमन है, वो तो कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकती ना, और कहीं पे बाहर जाके काम भी नहीं कर सकती। तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आई,
पहले तो बस दुआ बहुत बाहर जा पाती थी, पर अब तो वो भी नहीं जा सकती। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी जो लेडी डॉक्टर है उन सबको आई है। वो लोग अपने घर भी वापस नहीं जा पाए हॉस्पिटल से, क्योंकि कोरोना की वजह से उनको डर लगा रहा कि अगर हम घर जाएंगे तो हम अपने रिश्तेदारों को और अपने भाई बहन को कोरोना ना दे दें। उस वजह से वो अपने घर भी नहीं गए ऐसे मुश्किल टाइम पे। और अब दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की वजह से काफी लोग मर रहे हैं। तो अब बात करते कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या मदद की है। सबसे पहले हाँ सबसे पहले जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब उन्होंने अपने जितने भी हेल्थ वर्कर हैं और जितने भी कोरोना वॉरियर हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई थी। उससे क्या हुआ, उससे हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मैं गाँव गाँव में जो आंगनबाड़ी है, जो और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, वहाँ पे वुमेन ज्यादा है, और उनको वैक्सीन से पहले लगना वो बहुत बड़ा काम है। और देखो कि अगर वुमन को लगेगी तो घर में बाकी लोग सेफ रहेंगे। दूसरा काम, प्रधानमंत्री जी ने जो पैसे थे गरीबों के लिए वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में डलवा दिए, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम कम आई। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम ज्यादा है पर कुछ तो कम हुआ होगा, कुछ तो कमी हुई है प्रधानमंत्री के इस काम से। और अभी अभी मैंने कल की न्यूज़ है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब 2 महीने के लिए गरीबों को राशन फ्री मिलेगा। और अभी आज की न्यूज है कि आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट बनना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। और मैं अंत में यही बोलूंगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। और जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप सब मेरे को बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे ट्विटर अकाउंट में टैग करके। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।